नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश के नंबर वन ऑनलाइन चैनल अन अकेडमी पे। और मैं डॉक्टर रैना सराफ आपके साथ जुड़ गई हूँ आज का साइंस स्पेशल लेकर। तो बच्चों, ऐसा है कि अभी जो हमारा लक्ष्य प्रोग्राम चल रहा है 2020, ठीक है जी, तो इसके अंदर जो आपको बात ध्यान रखनी है कि हम एक पार्ट पूरा साइटोलॉजी जो है मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। वन सेकेंड प्लीज, देख लेते हैं कौन कौन से बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं ऑनलाइन। तो बच्चों, मैं आपको कुछ बात बता रही थी। एनसीईआरटी का हम लोग जो कवर कर रहे हैं यहाँ पर बायोलॉजी वाला, तो बच्चों देखिएगा इसके अंदर जो है ना, नंबर वन पूरा जो साइटोलॉजी है आपका, यानी के सेल यानी कि कोशिका के बारे में, वो हम पूरा कवर कर चुके हैं, ठीक है। कोशिका की उत्पत्ति कैसे हुई यानी के ऑरिजिन, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद कोशिका की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और इसके बाद अगर आप चाहें तो एक बार इसको नोट कर लें अपने अपने पास, ठीक है, ताकि आपके पास भी डॉक्यूमेंटेड रहे कि आपने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है यूपीपीएससी चैनल पर। बात समझ में आ रही बच्चों? चलिए, तो अभी साइटोलॉजी की हमारी बात हो रही थी, तो ये अभी तक हम कवर कर चुके हैं। संरचना हम कवर कर चुके हैं, ऑरिजिन हम कवर कर चुके हैं। अब इसके बाद हमें क्या कवर करना है वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन आ गए हैं, सभी का स्वागत है बच्चों दोबारा से। तो सेल के बारे में, उसकी उत्पत्ति, सेल के अंग यानी के कोशिकांग जिसको आप हिंदी में इंग्लिश में बोलते हो ऑर्गेनलीज, सेल ऑर्गेनलीज, वो हम लोग कवर कर चुके हैं। शुद्ध भाषा में इसको बोला जाएगा कोशिकांग। क्या बोला जाएगा बच्चों? कोशिकांग। नंबर नेक्स्ट हो गया बच्चों सेल के कार्य, और सेल की सारी चीजें तो आपके स्ट्रक्चर के अंदर आ गई, ठीक है। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज सेल के बारे में थी वो था उसका कंट्रोल सेंटर, यानी कि सेल का एक महत्वपूर्ण पार्ट जो है वो आता है डीएनए और आरएनए, ठीक है। उसके अलावा हमने प्रोटीन निर्माण समझ लिया, मतलब एक बेसिक्स हमने क्लियर कर लिया कि कौन कौन इसके अंदर यानी कि प्रोटीन संश्लेषण में कौन कौन भाग लेता है, ठीक है बच्चों, कौन कौन भाग लेता है। एक मिनट, पॉइंटर, ओके, प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है जी। और आरएनए में आपका, आरएनए का क्या काम है, डीएनए का क्या काम है, डीएनए कितने तरीके का होता है, आरएनए कितने तरीके का होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है। तो बच्चों ये सारी जो चीजें हैं वो ऑलरेडी हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है। क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर हो गया। तो ये पूरा पार्ट बहुत अच्छे से, बहुत आराम आराम से हमने पढ़ाया है अभी तक। तो बायोलॉजी में एक तो आपका कवर हो गया है ये, और बता देती हूँ आपको एनसीईआरटी का कौन सा पार्ट कवर हो गया है। छठी क्लास की एनसीईआरटी, नाइन्थ क्लास की जो आपकी एनसीईआरटी है वो हम लोग बायो वाला सेक्शन जो है जिसमें फूड चैप्टर था, भोजन, उसके अलावा न्यूट्रिशन, भोजन में कितने प्रकार के भोज्य होते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण, पोषण के प्रकार, भोजन के कारक, भोजन के कारक में आपने पांचों चीजें बच्चों पढ़ ली है, कार्बोहाइड्रेट, वसा यानी के फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और आपका प्रोटीन्स। बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से हम लोगों ने यूट्यूब पर इसको अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। क्वेश्चंस भी कुछ करा चुकी हूँ, इस फ्राइडे को फिर क्वेश्चंस आपके होंगे, सैटरडे को 2 घंटे का मैराथन होगा शाम को 6 बजे क्विज नंबर 2 के नाम से, ठीक है। तो मुझे बच्चों आपकी भागीदारी चाहिए उसके अंदर, बच्चे क्विज में आया करें, क्योंकि आपने देखा होगा जिन्होंने कल मेरा रात का अकेडमी का क्लास लिया, तो बच्चों आपने एक बात देखी होगी कि जब तक क्वेश्चंस आपके सामने नहीं आते हैं, जब तक आपको पता ही नहीं चलता कि आपने कितना तैयारी किया है, आप कितना जानते हैं, आपको क्या नॉलेज है इसके बारे में। बात समझ में आ गई जी? ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, ये सारी चीजें अभी तक हमने बायो के अंदर बच्चों पढ़ लिया है, साइटोलॉजी पूरा पढ़ लिया है, ऑरिजिन पढ़ लिया है, स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, कोशिका के जो 10 अंग थे वो हमने पढ़ लिए हैं। उसके अलावा अब बात करते हैं सेल, डीएनए, आरएनए, बच्चों वो सब हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब आती हूं मैं बड़ी मुख्य धारा पर बायो की। बायो के मुख्य धारा बच्चों हम कहते हैं जीव क्लासिफिकेशन को, जो आज का हमारा टॉपिक था, आज का बच्चों हमारा टॉपिक था
बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और देखिए बच्चों, ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ना आपका, तो इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं जीव वर्गीकरण। क्या बोलते हैं हम इसको हिंदी में? जीव वर्गीकरण बोलते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक है। इससे पीछे का आप न्यूट्रिशन पढ़ चुके हो, इससे पीछे का आप पूरा सेल पढ़ चुके हो, संरचना एनसीईआरटी 6 क्लास की हमने कवर कर दी है। उसके अंदर भोजन, भोजन के कारक, भोजन के प्रकार, कौन कौन से जीव किस किस तरह का भोजन लेते हैं, उनके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो बच्चों ये अभी तक हम सारी चीजें जो है वो पूरी कर चुके हैं। बात समझ में आ गई जी? चलिए बहुत बढ़िया। अब मुख्य धारा जो बायो की है, जैसे कि मैं पहले आपसे कई बार बच्चों एक बार डिस्कस कर चुकी हूँ कि आपके जो बायो के पिताजी हैं वो कौन है, वो है आपके अरस्तु। कौन है? अरस्तु है, इंग्लिश में एरिस्टोटल कहते हैं। और बायोलॉजी के बच्चों दो ब्रांचेस हैं आपकी, बायो की दो ब्रांचेस है मोटी मोटी, सभी को पता है। बोटनी, बोटनी को आप हिंदी में कहते हैं वनस्पति विज्ञान, और दूसरा आपका हो गया जूलॉजी, जूलॉजी। ठीक है जी? अभी जूलॉजी यानी कि आपका जंतु विज्ञान, और बोटनी हो गया आपका वनस्पति विज्ञान। ठीक है? तो अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की हम जब बात करते हैं, तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज आज हमको समझना है, जो शायद आपने बच्चों पढ़ा ना हो, या मैं कह सकती हूँ कि आपने ध्यान नहीं दिया होगा। पढ़ाया तो जरूर होगा मैम ने आपको, लेकिन स्कूल टाइम में इतना ज्यादा ध्यान से कोई नहीं पढ़ता। बात समझ में आ रही है? अगर स्कूल पे ही हम ध्यान से पढ़ लेना बच्चों, तो बहुत ज्यादा हेल्प हो जाए अभी हमें इस टाइम पे एग्जाम्स देने के। चलिए तो अभी मैं शुरू कर रही हूँ। बहुत ध्यान से आपको पूरी क्लास अटेंड करनी है, भागना नहीं है बीच में से, क्योंकि मैंने आपसे बार बार बोल रही हूँ, जब आप डेली क्लास अटेंड करोगे ना, तभी आप बायो के मोमेंटम को पकड़ पाओगे। 80% क्वेश्चंस करने हैं, तो क्लास लेते रहो बहुत मजे से। चलिए जीव जगत की बात कर रहे हैं बच्चों। ऐसा था, सबसे पहले जब अरस्तु जी आए, तो अरस्तु ने बोला कि भाई दो तरह के जीव हैं पूरी पृथ्वी पर। कैसे जीव है जी? एक तो ये है, ये हरे हरे से, जिनको उन्होंने बोला पेड़ पौधे। ठीक है जी? पेड़ पौधे यानी कि आपके प्लांट्स, यानी कि सीधा सीधा प्लांट किंगडम की बात कर दी उन्होंने, पादप जगत की बात कर दी। ठीक है जी? उसके बाद आपका आ गया, पेड़ पौधों के बाद बाकी सारे जीव, अन्य सभी जीव। अभी याद रखिए बच्चों, मैं अरस्तु की बात कर रही हूँ, या उसके बाद डार्विन की भी बात करूंगी, लैमार्क की भी बात करूंगी, बहुत सारे लोगों की भी बात करूंगी, जो इतने सारे जो आए, डार्विन, रॉबर्ट कोच आए, एंटनी वॉन लीवेनहॉक आए, इधर पीछे आपके श्रीधर एंड शॉन आए, रॉबर्ट हुक आए, उससे पहले डार्विन लमार्क आ गए। अब इतने सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट जो आए, तो आप बात समझ रहे हो कि कहीं ना कहीं बेस उनके पास तैयार था। क्या बेस तैयार था? कि पूरा क्लासिफिकेशन को दो भागों में बांट दिया गया था। तो बच्चों लैटिन भाषा का इस्तेमाल, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, क्वेश्चन कई बार आ चुका है पेपर में, कि बायोलॉजी में जितने भी आपको ये जबड़ा तोड़ नाम, जो ये अलग अलग से नाम आपको नजर आते हैं ना बच्चों, ये सारे नाम कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? लैटिन भाषा में। ये क्वेश्चन आपका कई बार पेपर में आ चुका है बच्चों। जो आपके ओरिजिनल बायोलॉजिकल स्क्रिप्चर है, जैसे हम पांडुलिपि की बात कर रहे थे, तो ओरिजिनल जो बायोलॉजी है वो आपकी लैटिन अमेरिकन भाषा में लिखी गई है। बात समझ में आ गई है जी? अब जीवों की तो उन्होंने दो भागों में बांट दिया, तो बच्चों प्लांट किंगडम को उन्होंने बोला प्लांटे, ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक है? प्लांटे मतलब उसका कुछ नहीं है, मतलब वही है कि पादप जगत की बात यहाँ हो रही है। जीव को उन्होंने बोला एनिमेलिया। क्या बोल दिया जी? एनिमेलिया। बात समझ में आ गई? एनिमेलिया यानी कि साधारण भाषा में पेड़ पौधों को अलावा जो केवल उन्हें दिखाई दे रहा है। अभी तक बच्चों यहाँ पर कोई भी ऐसी बात नहीं की गई जिसमें ये लिखा हो कि जो एनिमेलिया है उसके अंदर बैक्टीरिया भी आएगा, या उसके अंदर अमीबा भी आएगा, या उसके अंदर पैरामीशियम आएगा, या वायरस आएगा। ऐसी कोई बात अरस्तु के टाइम तक नहीं हुई थी। उन्होंने साधारण पूरे जीवों को, जितने भी जीव हैं पृथ्वी पर, उन सभी को उन्होंने बच्चों दो भागों में बांट दिया था। नंबर वन प्लांट्स में, यानी कि जो हरे हरे दिखाई दे रहे हैं, इसमें घास फूस पेड़ पौधा सब कुछ उन्होंने एक तरफ कर दिया। और दूसरे जो चल फिर रहे हैं, जो सांस ले रहे हैं, जो प्रजनन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं उनके सामने, और जो भी जीव, अन्य जीव, सब जीव है जिनको एनिमल्स की कैटेगरी में हम लोग रखेंगे, तो उनको उन्होंने बोल दिया एनिमेलिया। क्या रख दिया जी? एनिमेलिया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यहां तक कोई परेशानी किसी को? अगर किसी को परेशानी है तो वो मुझे फौरन पोस्ट कर दीजिए। हाँ जी, अरे 9 PM पे एमसीक्यू टेस्ट, एक्चुअली वो 10 PM पे करना पड़ेगा मुझे। 9 PM का एक इवेंट आ गया है मेरे पास UPSI का,
तो यूपीएसआई का नोटिफिकेशन के बारे में आज आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना है। आधे घंटे का इवेंट है, तो या तो फिर 9:30 से क्लास करूंगी या 10 बजे से करूंगी मैं, ठीक है? बात समझ में आ रही है? हाँ, 9 बजे एक इवेंट है। अंजलि जी, अंजलि, आरिफ, दिशा, बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या बोल रहे हो बच्चों? अंजलि, क्विज मेरा है। हाँ आरिफ और अंजलि, मैं ये बोल रही हूँ आप लोगों को कि आज जो अनअकैडमी में क्विज है वो होगा, लेकिन मैंने 9 बजे स्केड्यूल किया था, लेकिन एक इवेंट करना पड़ रहा है, उसका नाम है यूपीएसआई नोटिफिकेशन। तो ये कुछ बच्चों के लिए है, डिमांड पे था, तो मैंने सोचा चलो बता देती हूँ। कल यूपीएससी के बारे में मेरा एक वीडियो आया था, आप लोगों ने देखा कि नहीं मुझे नहीं पता, अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है, देख लेना, थोड़ी इन्फॉर्मेशन उसमें दी है, साधारण इन्फॉर्मेशन से अलग है। अनीता जी जुड़ गई हमारे साथ, ठीक है। अंजलि, 5 बजे तो नहीं हो पाएगा, अब ऐसा होगा ना कि 9, अब मैं इवेंट तो 9 बजे होगा, आधे घंटे का बस इवेंट है, 10 बजे से मैं आपका एमसीक्यू टेस्ट करवा दूंगी, ठीक है। कल से जो है फिर 9 बजे ही रहेगा जो टाइम हमारा एमसीक्यू का रहेगा वो आपका, और मैं करंट अफेयर्स की भी एक शुरू करने जा रही हूँ सीरीज, तो पूरे साल का प्रीलिम्स 2020 के लिए नाम से करंट अफेयर्स की सीरीज, और बहुत अच्छे लेवल है क्वेश्चंस के, आपके यूपीएससी और यूपीपीएससी के लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो आप उनको करंट अफेयर्स के भी आपको डेली क्वेश्चन कराऊंगी, ताकि पूरे साल का जो आपका करंट अफेयर्स है ना वो एमसीक्यू के अंदर बच्चों आपका पूरा कवर हो जाए। बात सुन रहे हैं सारे बच्चे? सारे बच्चे जो ऑनलाइन बैठे हैं सारे बात सुन रहे हैं? तो ये मैं अनअकैडमी पे कराऊंगी, यूट्यूब पे बच्चे फालतू के आते हैं, सीरियस नहीं होते, तो यहाँ क्विज कराने का बच्चों कोई फायदा नहीं है। दिस इज द रीजन कि मैं यहाँ पे ज्यादा क्विजेज नहीं कराती हूँ। आप अनअकैडमी पे आओ, फ्री सेशन है, कोई पैसा नहीं देना है, बस आपको आना है, पढ़ना है, और आपको पता ही कि आपके लिए एक फ्री गिफ्ट भी है मेरे पास। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ रही? हाँ अंजलि, बस आज की बात है, उसके बाद कल से 9 बजे एमसीक्यू होगा डेली, ठीक है। मैं भी नहीं चाहती कि आप लोगों को लेट हो, आप लोगों को अपना भी काम करना होता है। बात समझ में आ गई है? चलो आरिफ, बहुत बढ़िया। अभी मैं आगे चलूं टॉपिक में, तो यहाँ तक आप लोग बात समझ गए। थोड़ा कहानी आपको सुना रही थी, ये बायोलॉजी के वर्गीकरण की बात आई कैसे, तो सबसे पहले अरस्तु जी ने, फिर डार्विन ने भी बच्चों यही बात करी, क्योंकि एक्चुअली क्या होता था पिछले समय में, ना तो गूगल जी थे, ना कंप्यूटर्स थे, ना आपका कोई माइक्रोस्कोप था, ना कुछ था, कुछ भी नहीं था, तो सारी बातें जो है ना वो बच्चों केवल 2 बातों पे सारी थ्योरीज बनाई जाती थी। एक तो ऑब्जर्वेशन, भाई सामने देखा जा रहा है। अब जैसे न्यूटन के सेब गिरा, आपको पता है न्यूटन का ग्रेविटेशन का, उन्होंने सेब तो रोज गिरता है, लेकिन ध्यान किसने दिया? अमन जी जुड़ गए हमारे साथ। अमन जी नमस्कार, बहुत बहुत गुड इवनिंग, स्वागत है आपका अनअकैडमी पर। तो बच्चों जब हम बात करते हैं किस बात की, जब हम बात करते हैं कि अरे भैया सेब तो रोज गिरा है, लेकिन न्यूटन ने क्यों ध्यान दिया? न्यूटन ने इसलिए ध्यान दिया क्योंकि उसे ध्यान देना था, उसका दिमाग गया, अरे यार ये सेब ऊपर क्यों नहीं चला जाता, इसने मेरी नींद खराब कर दी, नीचे ही आ गया। तो आप समझ रहे हो, तो उस टाइम पर भी यही हुआ, केवल ऑब्जर्वेशन की जाती थी, अरे ये चीज हो रही है, ये क्यों हो रही है, ये किस लिए हो रही है, इसका क्या जुड़ाव है। बात समझ रहे हो सारे बच्चों? तो इसी वजह से दिस इज द रीजन कि हमें जो साइंटिस्टों का जो क्रम आया ना बच्चों, एक डार्क युग आया था आपके साइंस में, मैं आज आपको बता दूं, मैं पहले भी केमिस्ट्री की क्लासेस में भी बता चुकी हूँ, उसको डार्क एज ऑफ साइंस बोला जाता है, जिसमें बीच के 30-40 साल बच्चों साइंस का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। जो क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग थे, जो ग्रीक एम्पायर के, मतलब ग्रीस या यूरोप के जो लोग थे, यूरोपियंस जो थे, उनका मानना ये था कि अगर लोगों को पढ़ाई लिखाई के बारे में ज्यादा पता चल गया, ये ग्रीक लोग मानते थे, यूरानी लोग ऐसा मानते थे, यूरोपियन लोग ऐसा मानते थे, कि अगर साइंस विज्ञान के बारे में लोगों को बहुत ज्यादा उसको अवेयर हो गए, विज्ञान के बारे में पढ़ने लगे, लोगों का इंटरेस्ट आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा, बच्चे जो जीव है उस टाइम के जो लोग हैं वो क्या करेंगे बच्चों, वो जीसस को मानना बंद कर देंगे, ठीक है, वो ऊपर वाले की पावर को मानना कम कर देंगे, वो क्योंकि हर चीज के पीछे लॉजिक ढूंढेंगे, हर चीज के पीछे क्या ढूंढेंगे, विज्ञान ढूंढेंगे, कि अरे यार ये सड़ रही है तो क्यों सड़ रही है, ये इसीलिए। बच्चों लाइक कर दीजिए वीडियो अच्छी लग रही है तो, ठीक है, मुझे कहना ना पड़े, आप खुद ही लाइक कर दो तो वैसे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। निजाम जी आ गए, निजाम जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सारे बच्चों का। तो बच्चों देखो, तो ये डार्क युग जो चला साइंस का, तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही था कि क्रिश्चियनिटी को खतरा हो गया, कि अरे यार हम लोगों का बेवकूफ वैसे बनाएंगे। जैसे आपने लगभग बच्चों देखा ही होगा, आप कहीं भी चले जाइए, कुछ धर्म में है, हमारे हिंदुओं में भी है थोड़ा सा, और मुस्लिम में ज्यादा इस बात पे बात नहीं करूंगी, लोगों को कई बार बेवकूफ बनाया जाता है, अरे ये कर लो वरना ये हो जाएगा, अरे ये कर लो वरना ये हो जाएगा, फालतू की बातें की जाती है। तो कहीं ना कहीं कुछ बातें, मैं ये नहीं कह रही मैं किसी को, सीमा जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। नहीं सीमा जी, मेरा डेली क्लास होता है यहाँ पर 7 बजे, डेली क्लास होता है बायोलॉजी का, और दोपहर में 1 बजे आज मैं क्लास नहीं ले पाई, मेरा इंटरनेट गड़बड़ हो रहा था,
तो आज क्लास नहीं हुआ 1 बजे वाला, ठीक है? कल फिर प्रतियोगिता बूस्टर पढ़ाऊंगी 1 बजे, वो तो मिस ही नहीं करना है किसी को, प्लीज। चाहे लाइव आके पढ़ो, चाहे बाद में आके पढ़ो, और कैसे भी पढ़ो, लेकिन उसको आपको पढ़ना है, ठीक है? तो बच्चा प्लिनी आपके रहे हैं, सुकरात आपके रहे हैं, बहुत सारे ऐसे थिंकर्स रहे, तो उन्होंने कहा अरे यार इन लोगों को भ्रम में रखो, अगर ये भ्रम में रहेंगे, सुकरात को तो बल्कि जहर भी पीना पड़ गया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि लोगों को अवेयर करिए। तो बाकी लोगों का जो कैथोलिक्स थे बच्चों, थोड़ा सा आपको अगर हिस्ट्री पता होगी, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री तो आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपको ये लगे अब पता चलेगा कि किस तरीके से पॉलिटिक्स खेली जाती थी, पढ़ाई लिखाई को बोला, और लेडीज को तो बिल्कुल अलाउ ही नहीं था कि वो कुछ पढ़े कुछ करे। रीजन यही है, बात समझ में आ रही है? रीजन यही है। तो बच्चों इसीलिए जो है डार्क युग बोला जाता है उसको साइंस का, वरना साइंस में तो बहुत पहले हम लोग तरक्की कर चुके होते। और मैं आज आपको एक बात बता रही हूँ बच्चों, हर चीज में ना यूरोप नंबर वन रहता है, कोई भी चीज आए ना आगे, सबसे पहले आप कभी भी नोट कर लेना, यूरोप इज नंबर वन। यूरोप और पहले सोवियत संघ उसके साथ था, सोवियत संघ तो पूरा एक था वो। तो बच्चों पहले ये आपको पता है, आज मैं आपको एक बड़े मजेदार बात बताती हूँ। आपने टैक्स का नाम सुना होगा, एक कर का नाम सुना होगा, उसको कहते हैं वैट। वैट को वैट की फुल फॉर्म क्या होती है? वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है? आपको पता है वैट हमारे यहाँ तो आया था, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपसे क्या बोला कि स्टीफन हॉकिंग ने बहुत बढ़िया बात बोली है कि मैं ऊपर वाले से नहीं डरता, ऊपर वाले से नहीं डरता, किसी मजहब से नहीं डरता, मैं डरता हूँ ऊपर वाले को मानने वालों से, क्योंकि वो रिलीजन के नाम पर बच्चों बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जो रिलीजन को बदनाम करती हैं, उसका रिलीजन से कहीं कोई मतलब नहीं होता, और कुछ लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं उस चीज को, बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे कुछ रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, जो मेरे हिसाब से वो कोई भी हो उसको नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो विज्ञान बच्चों कहीं ना कहीं हमारी आंखें खोलता है। और हाँ, मैं इस बात को, मैं बिल्कुल नास्तिक नहीं हूँ, मैं इस बात को प्रॉपर मानती हूँ, क्योंकि मुझे आज भी आइंस्टीन की एक बात याद है बच्चों, आइंस्टीन की थ्योरी में ही सारी बात उसने लिखी हुई है कि E इक्वल टू MC स्क्वायर, यानी कि ऊर्जा तभी है जब शरीर भी है और आत्मा भी है। ये बात उन्होंने जो बोली थी ना, कि अब आप बताओ ये आत्मा को आज तक साइंस नहीं पकड़ पाई, उसने चाहे कितने ही स्टेट ऑफ मैटर निकाल लिए, ठीक है, उसने चाहे कितने ही स्टेट ऑफ मैटर निकालिए, 7 स्टेट ऑफ मैटर उसने बता दिया हमको, लेकिन वो आज तक ये नहीं बता पाया बच्चों कि एक्चुअली में मरने के बाद आत्मा जाती कहाँ है। लेकिन आइंस्टीन ने इस बात को बोला, आइंस्टीन ने क्या कहा, अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने, उन्होंने बोला कि अरे भैया एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी कि ना तो ऊर्जा को आप बना सकते हैं और ना ऊर्जा को आप तोड़ सकते हैं, केवल आप ऊर्जा को स्थानांतरित कर सकते हैं। यू कैन ओनली ट्रांसफर एनर्जी, यू कैन ओनली कन्वर्ट इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बात समझ में आ रही है बच्चों, क्लियर हो गई है सारी बात आपको? तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे रीजन हुए। तो आस्तिकता अपनी जगह है, एक पावर को मानना अपनी जगह है, और लेकिन ब्लाइंडली किसी चीज को फॉलो करना, ब्लाइंडली उस बात को मानना, इट्स नॉट एट ऑल। पढ़ा लिखा होना साइंस को मानने वालों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। सबसे बड़ा है इंसानियत का धर्म, सबसे बड़ा धर्म है, ठीक है? कहते हैं ना कि वक्त बुरा है तो मेहनत कीजिए। कल मैंने अपने ग्रुप पे कोटेशन डाली थी, अर्षदीप बहुत बहुत गुड इवनिंग। और अगर वक्त अच्छा है तो किसी के वक्त को अच्छा करने में मदद कीजिए, उसकी सहायता कीजिए, यही सबसे बड़ा धर्म है बच्चों, यही सबसे बड़ा धर्म है, याद रखिए। अगर आपकी वजह से किसी को परेशानी हो रही है, आपकी वजह से किसी को दुख पहुंच रहा है, तो आप यकीन मानिए, आप चाहे कितने ही पूजा पाठ कर लें, आप कितनी ही अरदास कर लें, आप कितना ही जीसस के ऊपर माथा पीट लें, लेकिन अगर आपकी वजह से हिंसा हो रही है, आपकी वजह से कुछ भी हो रहा है, तो आप बात मान के चलिए बच्चों कि ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आप समझ लीजिए कि ऊपर वाला कभी ये नहीं चाहता कि आप किसी के साथ इस तरह का व्यवहार करें, ठीक है? चलो बाकी इस टॉपिक को आगे बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि बहुत डिबेटेबल इशू है। गुड इवनिंग कश्मीर के कली। अरे भैया नूर जहां तुम कहां हो ये बताओ, 10 दिन हो गए तुमको, मैंने तुमको ऑनलाइन नहीं देखा है। सब ठीक है घर में? कहवा तो ले आई हूँ, मेरे पास भी कहवा है आज, ये देखो आई एम ड्रिंकिंग द कावा, ग्रीन टी पी गई हूँ। लेकिन तुम कहाँ हो ये बताओ मुझे, गायब हो जाती हो बीच में आके। अरे भैया तैयारी व्यारी करने है कि नहीं, पढ़ने पढ़िए लिखना है, IAS बनना है कि नहीं बनना है, IAS PCS IAS बनना है कि नहीं बनना है? ऐसे करोगे तो कैसे बनोगे IAS PCS, ये बताओ। चलो अब बच्चों, चलो बहुत सारी ज्ञान की बात हो गई, आगे चलती हूँ। अब क्लासिफिकेशन की हम लोग आज बात कर रहे थे, क्लासिफिकेशन की बात में पहले मैंने नंबर वन आपसे बोला कि अरस्तु जी थे, उनका उनको ब्लाइंडली फॉलो करा आपके डार्विन ने। उसके बाद आए आपके बच्चों डार्विन के साथ ही, लगभग उन्हीं दिनों की बात है, उसके बाद फिर आप आ गए थे ये
क्या कहते हैं, एरिस्टोटल, डार्विन, उसके बाद आते हैं कैरोलस लीनियस। ये आपके लमार्क जी भी उसी आसपास आए थे जिन्होंने बताया था कि भैया जिराफ की गर्दन इसलिए बड़ी हो गई क्योंकि वो उचक उचक के घास खाता था। ये थ्योरी पढ़ा है बच्चों आपने, याद है कि कुछ कुछ जानवरों की गर्दन ऊंची क्यों हो गई, कुछ जानवर नीचे क्यों रह गए, बात समझ में आ रही है? ये क्यों कहा गया? ये इसीलिए कहा गया क्योंकि कुछ समय ना कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था। मैंने क्या बोला, जो ऑब्जर्व करा, जो अपनी तिकड़म लगाई दिमाग की, जितना सोच सकते हैं वो सोचा, पुराने ग्रंथ पढ़े, पुरानी टेक्स्ट पढ़े। मान लो अरस्तु जी कुछ लिख गए तो गई लाए। बच्चों आपको पता है ये गूगल पूगल का कॉन्सेप्ट अभी चला है, पहले हम लोग भी क्या करते थे, हम लोग लाइब्रेरी भागते थे, ठीक है, लाइब्रेरी भागते थे, इसलिए आज बेसिक्स बहुत क्लियर है। बच्चों किताबों से अच्छा कोई, आप यकीन मानिए, कोई रेफरेंस नहीं होता। कितनी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, मैंने ग्रुप पे भी डाला, 36 PDF डाउनलोड कर लेना। मैंने आपसे 50 बार एक बात बोली है, दो तरीके के लोग होते हैं, दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक वो जो डाउनलोड ही करते रहते हैं और दूसरे वो जो एक्चुअली में तैयारी करते हैं। तो अब बच्चों आपकी मर्जी है आपको कौन सी वाली कैटेगरी में आना है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलिए बहुत बढ़िया, आईएएस बनना है ना तो क्लास लिए जाओ भैया, क्लास लिए जाओ। और प्लस कोर्स का मेरे पास क्वेरी नहीं भेजा है अभी तक, 2-3 बच्चों ने भेजा है, आप में से कहा है बच्चों, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना? मात्र ₹500 लगेंगे यार, क्यों नहीं तुम तैयारी करते हो ढंग से? ये बताओ, सारी टेस्ट सीरीज तुमको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा वहां पर, क्यों नहीं तैयारी कर लो? चलो अब कैगुलस लीनियस के बारे में मैं बता दूं आपको। ये भाई साहब बड़े मशहूर भाई साहब हैं बायोलॉजी के, और यकीन मानिए कि जितना दर्द इन्होंने दिया है ना हमें बायोलॉजी पढ़ने के लिए, उतना दर्द किसी ने नहीं दिया। ये दर्दे दिल है, ये वास्तव में ही जो है ना, ये बायोलॉजी के ये दिलीप कुमार है। बुरा मत मानिए, दिलीप कुमार का तो फैन हो यहाँ पे, ये हमेशा ट्रेजेडी किंग है। ये ट्रेजेडी किंग का मतलब बता देती हूँ, कैगुलस लीनियस, पहले हिंदी में नाम देख लो उनका, ये हमारे दिलीप कुमार और मनोज कुमार जी यही है, कैरोलस लीनियस। अरे यहाँ पे कोई दिलीप जी का फैन तो नहीं है, कभी मेरे मेरे को गालियां दे बाद में, ठीक है? चलो कैरोलस लीनियस तो ये नाम है इनका। अब इनका बताती हूँ, ये ट्रेजेडी किंग क्यों है, इन्होंने हमारा जीना दुखी क्यों करा, क्या रीजन है? चलिए देखो बच्चों ऐसा है, ये अब इन्होंने लमार्क जी सबसे सुना कि भैया एनिमल, ये पूरे संसार में दो तरह के जीव हो गए जी, एक तो हो गए आपके पादप और दूसरे हो गए आपके जंतु, ठीक है जी। जीव दोनों है, ये क्या है, दोनों ही जीव है, जीव जीवाणु भी है, जीव जीवाणु भी है, जीव आपकी फफूंदी भी है, जीव आपके ये जो होते हैं क्या कहते हैं, विषाणु भी है यानी कि वायरस भी है, जीव आपके प्रोटोजोवा भी है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जहां छोटी छोटी बातों पे आप कंफ्यूज होते हो ना, वही सारी बातें बता रही हूँ आपको, जो जगह जगह सी बातों पे आप कंफ्यूज होते हो। और ये वीडियो छोड़ के भागा ना करो इधर उधर, ये कुछ बोलती होती हूँ तो इधर उधर फॉर्म, कोई चाय पीने भाग गया, कोई टॉयलेट भाग गया, कोई पॉटी भाग गया, बस ये करते रहते हो आप लोग, बैठ के 1 घंटा पढ़ नहीं सकते हो चैन से, ठीक है? तो अभी क्या है, जीव तो बच्चों ये सारे आप माइंड मैप में देख लो, सारे ही जीव है, पादप भी जीव है, जंतु भी जीव है, जीवाणु भी जीव है, विषाणु भी जीव है, फफूंदी भी जीव है, प्रोटोजोआ भी जीव है, सब कुछ जीव है। लेकिन अब अभी मैं आपको ये बात तो मैं बाद में पता चली ना, ये जो नीचे के चार लोग हैं ये हमें बहुत बाद में पता चले कि ये भी होते हैं और ये भी जीवों में आते हैं। अभी जब तक कैरोलस लीनियस जी थे ना उस टाइम पर हमें केवल इन दोनों के बारे में पता था। और क्यों पता था, उसका साइंटिफिक रीजन मैं आपको बता रही हूँ। रीजन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि समय पर माइक्रोस्कोप नहीं था, क्या नहीं था, सूक्ष्मदर्शी नहीं था। बात समझ में आ गई? अरस्तु के बारे में फिर से बता दीजिए, अब तुम वीडियो रिवाइंड कर लेना, अब मैं बता चुकी, बाद में सुनना, अब आगे की सुनो पीछे की बाद में सुनना। चलो तभी कहते हो टाइम से आ जाएगा वो, टाइम से, टाइम से। फिर तो बच्चे मुझे गालियां देते हैं कि मैम आप एक ही बात को ना 4 बार रिपीट करती हो, क्यों करती हो? चलो निजाम बेटे बाद में एक बार मैं जरा इसको कंप्लीट कर लूँ फिर आपको बता दूंगी। अरस्तु की बहुत लंबी सी बात मैंने बताई थी, आप बाद में वीडियो रिवाइंड करके सुन लेना बच्चे, ठीक है? अभी मैं आगे बढ़ रही टॉपिक पे, प्लीज बुरा मत मानना, ठीक है? चलो तो अभी कैरोलस लीनियस के बारे में आपको कुछ बातें बताती हूँ, ठीक है? कैरोलस लीनियस का नंबर 1 पॉइंट ये है बच्चों कि उन्होंने संपूर्ण यानी कि टोटल बायोलॉजी को लैटिन भाषा देने वाले, ये जो अगड़म बगड़म नाम आप बायोलॉजी में पढ़ते हो ना अजीब अजीब से, कई बच्चे मुझे कहते हैं, अनुज मुझसे कहता है मैम बायोलॉजी तो वैसे तो बहुत अच्छी लगती है लेकिन जब नाम याद करने बैठता हूँ ना तो खोपड़ी में खुजली होती है, तो इसीलिए होती है, वो अगड़म बगड़म नाम है, तो
तो वो लैटिन भाषा के नाम है, उसको हमने में आ गई है, बात समझ में आ गई कि नहीं। तो अब इन्होंने जो संपूर्ण टेक्स्ट लिखा वो इन्होंने लिखा लैटिन भाषा में, नंबर वन पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा पॉइंट बच्चों, इन्होंने सबसे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफिशियली करा था। ऑफिशियली का मतलब अनऑफिशियली तो सबने किया, ऑफिशियली का मतलब जब हम लोगों ने साइंस को सीरियसली लेना शुरू करा, जब हमने साइंस को, अर्षदीप तुम्हारा नेट स्लो है, मेरा वीडियो ठीक चल रहा है, मेरा वीडियो ठीक चल रहा है, आपका नेट स्लो, रिफ्रेश कर लो उसको एक बार। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं बच्चों द्वी जगत वर्गीकरण, सॉरी द्वी जगत वर्गीकरण, क्या बोलते हैं बच्चों उसको, द्वी जगत वर्गीकरण, ठीक है जी। तो द्वी जगत वर्गीकरण हो गया आपका। अब सिंपल, उन्होंने इसमें कोई नई बात ऐड नहीं की, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि भाई दो जगत में कौन कौन आ गए जी, हाँ उसमें आ गया नंबर वन प्लांटे, क्या आ गया नंबर वन प्लांटे, और नंबर टू आ गया बच्चों एनिमेलिया, वही जो ऊपर अभी मैंने आपको बताया। तो अभी कैरोलस लीनियस के टाइम पर, कैरोलस लीनियस के समय तक भी क्या हुआ, वही चलता रहा प्लांटे और एनिमेलिया, अंटिल एंड अनलेस। मैंने आपको बताया था बच्चों एक बात, मैंने आपको एक बात बताई थी कि कौन थे भैया निजाम जी, आप भी देख लो, आप उस दिन पूछ रहे थे, नाम लिखिए साइंटिस्ट का ल्यू विन हॉक, और ये स्पेलिंग ठीक लिखिएगा आप, ल्यू विन हॉक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। और सेल जब मैंने पढ़ाया तो मैंने बार बार बोला था कि एंटनी एंटनी वॉल वॉन न्यूवेन हॉक का नाम आप बिल्कुल रट लीजिए। इनका सबसे पहला कंट्रीब्यूशन ये था कि इन्होंने लिविंग सेल यानी कि जीवित सेल की खोज की थी, यानी कि जीवाणु के जनक कहे जाते हैं ये। इज कॉल्ड द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, क्या कहा जाता है इसको, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है नंबर वन। नंबर टू जो इनका कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने हमें सबसे पहला माइक्रोस्कोप जो बनाया गया, साधारण माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी, तो वो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक जी ने बनाया, नंबर टू। नंबर टू बच्चों यस। और नंबर थ्री कॉन्ट्रीब्यूशन इनका है कि इन्होंने हमारा ब्लड स्टडी करा था बच्चों, हमारा पस सेल्स मवाद जो हो जाता है, और स्पर्म सेल्स और मांसपेशियां, ये सब इन्होंने बच्चों स्टडी कर लिया था। और उसी के बाद जो है फिर आपका डीएनए, और जो मिशेल जी ने आपको न्यूक्लियन वगैरह जो सब बताया था ना, तो वो सब उसके बाद कंट्रेरी चलता चला गया। तो अब जब ल्यूवेनहॉक की बात आई तो उससे पहले तक क्या था, उससे पहले तक आपका प्लांटर एनिमेलिया, यस फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु जगत के जनक कहे जाते हैं आपके एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और बच्चों ये आपका जो बैक्टीरिया ग्रुप है, और आपका जो ये अमीबा पैरामीशियम है, ये भी बच्चों उन्होंने देखा था पानी की ड्रॉप में, उन्होंने देखा था। तो वो सारे जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है ना, तो वो भी आपके एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक के नाम पे रजिस्टर्ड है। चलिए आगे चलती हूँ, मैं आगे चल रही हूँ क्लासिफिकेशन में। तो अब कैरोलस लीनियस का नंबर टू रोल सुनिए बच्चों, इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया टू किंगडम क्लासिफिकेशन, वो आप समझ गए। अब आओ नंबर नेक्स्ट बात पर बच्चों, इन्होंने एक सिस्टम हमको दिया, इन्होंने हमें टैक्सोनॉमी, साइंस की एक ब्रांच है बच्चों, और बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है ये टैक्सोनॉमी, ठीक है। टैक्सो अभी मैं आपको समझाती हूँ, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत पता हो, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, पता रहना चाहिए, ठीक है। टैक्सोनॉमी, टैक्सा का मतलब बच्चों होता है नाम या वर्ग या क्लास, यानी के फॉर एग्जाम्पल अब आपने क्या करा, जो भी चीज दिखाई नहीं दे रही उसको आपने क्या बोल दिया, सूक्ष्म जीव बोल दिया, यानी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने बोल दिया, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर हुई, आपने उनको क्या बोल दिया, इतनी बात बोल दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उनका जो टैक्सा था यानी कि उनका जो वर्ग था वो क्या हो गया, वो हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो बच्चों टैक्सोनॉमी, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ चुका है आपके पेपर में कि टैक्सोनॉमी क्या चीज होती है। टैक्सा का मतलब होता है नाम या उस चीज की ग्रुपिंग करना, इसे कहाँ रखना है, इस चीज को आपके कवर्ड में छह खाने हैं। अब आप पहले आइटम देखोगे कि अरे भाई मेरे पास सॉक्स है, या मेरे पास हैंकी है, या मेरे पास जो है कफलिंग्स है, तो इसको मैं अलग अलग काउंटर बना देता हूँ और वहीं पर इसको रखूंगा, ये वाला काउंटर खोलूंगा तो ये मिलेगा, और ये वाला काउंटर खोलूंगा तो ये मिलेगा, बात समझ में आ गई जी। तो ऐसे ही टैक्सा का मतलब होता है किसी भी जीव को एक उसको प्रॉपर जगह देना कि भैया तुम कौन से ग्रुप के अंदर आओगे। बड़े साधारण शब्दों में मैंने बच्चों आपको उसकी डेफिनेशन बताई। तो एक्चुअली टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज एक्चुअली डीलिंग विद द साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एनी स्पीशीज
एंड ऑब्जर्वेशन एंड देयर रिमार्केबल स्पेसिफिकेशंस। तो ये डेफिनेशन है आपको टैक्सोनॉमी की। हालांकि डेफिनेशन आपको कोई याद नहीं करनी है, टैक्सा का मतलब समझो ये नाम, यानी कि टैक्सोनॉमी इज एन आर्ट ऑफ साइंस डीलिंग विद द क्लासिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड हाइपोथेसिस ऑफ एनिमल्स। बात समझ में आ गई है जी, बात क्लियर हो गई। तो ये एनिमल्स से डील कर रहा है, प्लांट से डील कर रहा है, सारी चीजों से। जो चीज उस समय कैरेलोस को नजर आई ना, वो सारी उसने उसके अंदर डाल दी कि अच्छा भाई तुम ये हो तुम्हें यहाँ रखना है, तुम प्लांट हो तुम्हें यहाँ रखना है, तुम घास हो तुम्हें यहाँ रखना है। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से बच्चों उन्होंने पहला सिस्टम डेवलप किया। तो इसलिए बच्चों दिस इज द रीजन ही हैज बीन कॉल्ड द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इनको क्यों बोला जाता है, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, इसीलिए इनको बोला जाता है द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, नामकरण के जनक। क्या बोला जाता है बच्चों उनको, नामकरण के जनक बोला जाता है। क्लियर हो गई जी बात, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे चलू मैं? क्लियर है। चलो डन। अर्षदीप 10 बजे है क्लास, 10 बजे 10 बजे 9 बजे मेरा इवेंट है सही वाला। ये काम करते हैं, चलो 9 बजे क्लास कर लेते हैं, इवेंट 10 बजे कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एमसीक्यू 9 बजे ही कर लेते हैं अपने समय पे, जो आपके पास मैसेज आया होगा तो 9 बजे कर लेते हैं और 10 बजे एसआई वाला करवा लूंगी मैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान मत हो। ठीक है, ऐसा कोई विशेष वो नहीं है, मैं करवा लूंगी। ठीक है जी, चलिए आगे चल रही हूँ बच्चों, मैं आगे चल रही हूँ विद योर परमिशन, आपके परमिशन से आगे चल रही हूँ, अब आपको आगे बता रही हूँ। तो अब जो टैक्सोनॉमी की जब बात हुई ना बच्चों, तो टैक्सोनॉमी के वक्त बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई, उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने एक तरीका बनाया कि इतने सारे जीव हैं धरती पर। चलो एग्जांपल बताती हूँ आपको, सिंपल से एग्जांपल लेती हूँ बच्चों। आपने काशीफल देखा होगा, कुछ लोग उसको कद्दू कहते हैं, कुछ लोग उसको सीताफल कहते हैं, कुछ लोग उसको पेठा बोलते हैं। बात समझ में आ रही है, कई सारे नाम है, कई जगह बच्चों उसको कुमड़ा बोला जाता है, कई जगह उसको कोहड़ा बोला जाता है, बहुत सारे नाम है उसके। लेकिन अब मान लीजिए मध्य प्रदेश में तो बोल रहे हैं कुमड़ा, ठीक है, और उत्तर प्रदेश में बोल रहे हैं सीताफल काशीफल, तो अब कैसे समझ आएगा यूनिवर्सल क्या नाम दिया जाए, मतलब सार्वभौमिक नाम क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द यूनिवर्सल स्टेटस। कोई भी जीव जो आपके सामने है उसका कहते हैं ना, उसका स्टेटस क्या है भैया, तुम हो क्या, तुम सार्वभौमिक, उसका क्या रोल है, क्या स्टेटस है, किस चीज में उसकी पहचान होगी। जैसे आपका आईडी कार्ड है, तो आपकी पहचान क्या है कि आप भारतीय हैं, आपकी पहचान क्या है बच्चों, भारतीय हैं आप लोग, तो ये आपका क्या हो गया। सबसे पहले आप जब कहीं भी जाएंगे तो आपसे क्या पूछा जाएगा, आप कौन सी नेशनैलिटी है, तो आप बोलेंगे सबसे पहले इंडियन, आप ये नहीं बोलेंगे मैं यूपी से हूँ, मैं एमपी से हूँ। हो सकता है कोई यूपी एमपी को जानता ही ना हो, कोई यूपी एमपी को जानता ही ना हो, बात समझ में आ रही है। तो आप सबसे पहले बोलेंगे कि भैया हम इंडियन है, और इंडियन में नहीं तो हम एशियन है, क्या है, हम एशिया महाद्वीप से बिलोंग करते हैं। तो उसी प्रकार बच्चों ये जो पूरा सिस्टम उन्होंने बनाया, इसी को उन्होंने बोला टैक्सन ग्रुप जो उन्होंने बनाए, ठीक है, इसको उन्होंने बोला साइंटिफिक नेम्स, यानी के वैज्ञानिक ना, सॉरी ये क्या हो गया, साइंटिफिक नेम, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे आप लोग। तो बच्चों यहाँ आपका आया कंसेप्ट वैज्ञानिक नाम का, कुछ बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा कि वैज्ञानिक नाम क्या होते हैं, वैज्ञानिक नाम के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। बात समझ में आ रही है, बात क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ, तो अभी क्या होगा, वैज्ञानिक नाम उसका आपने रख दिया, ठीक है जी, क्या रख दिया जी, वैज्ञानिक नाम आपने उसका रख दिया। अच्छा, अब वैज्ञानिक नाम का तरीका क्या है रखने का, ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा के रख दिया, उसका भी एक प्रॉपर मेथड उन्होंने दिया। क्या मेथड दिया बच्चों उन्होंने, मैं बता देती हूँ आपको, उन्होंने दिया कि भैया दो नाम होंगे किसी भी जीव को, दो नामों में हम बांट देंगे बच्चों। इस कंसेप्ट को बोला गया, सबसे पहले इस कंसेप्ट का नाम सुनिए, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, हिंदी में बता देती हूं द्विनाम पद्धति। क्या बोला गया इसको, द्विनाम पद्धति, यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये कंसेप्ट कैरोलस लिनियस के नाम पर जाता है, वैज्ञानिक नाम उन्होंने दिया, लैटिन भाषा का प्रयोग उन्होंने किया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया,
इतनी बात समझ में आ गई, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, कुछ नहीं है, आगे चल रही हूँ। अब समझते हैं कि ये बाइनोमियल नोमनक्लेचर क्या चीज है। व्हाट इज दिस बाइनोमियल नोमनक्लेचर? क्लियर हो गई जी बात? हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली आ रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो बच्चों बाइनोमियल नोमनक्लेचर की जब बात होती है, इसके अंदर दो चीजें होती है। इसको आप कहते हो ए प्लस बी कंसेप्ट। क्या बोला जाता है इसको? ए प्लस बी कंसेप्ट बोला जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिस उसमें नंबर वन होता है ए, तो इसको आप लोग बोलते हो ए को जीनस। बहुत ध्यान से सुनिए, क्या बोलते हैं इसको? जीनस। और जो पीछे वाला नाम होता है उसको बोलते हैं स्पीशीज। ठीक है, तो जीनस आपका हो गया संघ, और स्पीशीज हो गई आपकी प्रजाति। तो जीनस और स्पीशीज मिलाकर बनता है आपका साइंटिफिक नेम, यानी कि वैज्ञानिक नाम। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और हमेशा अब इसकी कुछ मुख्य बातें बताऊंगी आपको, पहले ये मुझे कंफर्म कर दें कि इतनी बात आपको क्लियर हो गई है कि नहीं हो गई है। जैसे बच्चों टेंथ क्लास में जो केमिस्ट्री की बुक है ना, उसमें सबसे पहला जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहां से शुरू हो जाता है, तो वहां पे बताया जाता है आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नोमनक्लेचर। तो नोमनक्लेचर शब्द का मतलब है नामकरण करना। तो ये सबसे पहला जो नामकरण बायोलॉजी में किया गया, तो वो कैरोलस लीनियस के नाम पर बच्चों को फाड़ा गया बिल। तो इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, मैं फिर बता रही हूँ, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी के नामकरण के जनक। कौन सा कंसेप्ट दिया उन्होंने, फिर देख लीजिए, उन्होंने दिया आपको बाइनोमियल नोमनक्लेचर, द्वि नाम पद्धति। इस पद्धति में क्या चीज है? इसमें दो चीजें हैं जी, एक तो इसमें आपका ए पहला नाम होगा जीनस, और दूसरा नाम होगा आपका प्रजाति, यानी के स्पीशीज। तो दोनों को मिला देंगे अगर हम, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा बच्चों आपका प्रजाति का, क्या बन जाएगा बच्चों ये बन जाएगा आपका क्या कहते हैं, वैज्ञानिक नाम। इसको टोटल में क्या बोलेंगे? वैज्ञानिक नाम बोलेंगे। पुनीत जी नमस्कार, स्वागत है। हाँ पुनीत जी, आज मेरा इंटरनेट कुछ प्रॉब्लम कर रहा था, तो इसीलिए आज बूस्टर क्लास नहीं हुआ, कल से दोबारा शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो कल आपका बृहस्पतिवार है, यानी कि थर्सडे है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तीन दिन अब आपका लगातार बूस्टर चलेगा। संडे को बूस्टर्स नहीं होते हैं, ठीक है, आपके मंडे टू सैटरडे चलते हैं। आज इंटरनेट की वजह से मेरा 1 बजे वाला क्लास आज नहीं हो पाया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। कल मैं बहुत अच्छा टॉपिक लेके आ रही हूँ आपके बूस्टर के लिए, ज्वाइन जरूर करिएगा आप। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, आगे बढ़ती हूँ अपने डिस्कशन में मैं। और बच्चों अगर अच्छा लग रहा है तो यार मैम को लाइक दे दो अच्छे अच्छे, है ना। चलो बहुत बढ़िया, अब आपको इसको खोल के समझाती हूँ, जीनस और स्पीशीज। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन सुनिए, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है बच्चों, यहाँ से तीन क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिए कि फादर कौन है टैक्सोनॉमी का, बाइनोमियल नोमनक्लेचर किसने दिया, जीनस और स्पीशीज का नाम किसने दिया, साइंटिफिक नेम एनालिसिस क्या होता है, द्वी टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्या हुआ। तो इतने सारे आपके साथ क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर तैयार हो गए। बात क्लियर हो गई जी? बात क्लियर हो गई। चलिए अब मैं आगे चल रही हूँ, अब बात करते हैं जीनस। तो एक क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि जीनस और स्पीशीज शब्द किसने कॉइन करे, हु कॉइन द टर्म जीनस एंड स्पीशीज। ये दोनों शब्द बच्चों किसने कॉइन करे? और बच्चों अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दिया करो। तो बच्चों ये हमें जो दोनों टर्म्स थे ये हमें दिए, एक्सक्यूज मी एक मिनट बच्चों, सॉरी बच्चों सॉरी, माय कॉल वाज एक्चुअली रिंगिंग आउट, सॉरी। चलिए तो हम बात कर रहे थे बच्चों, भागा मत करो एकदम से, आ जाओ वापस, आगे में आगे, जीनस और स्पीशीज के बच्चों हम लोग, अरे आने दो आगे की, ये दो मेरे दुश्मन ही हैं मुझे लगता है, ये कोई ना हमारे हमारे बीच का ही कोई है और वो इसीलिए उसको भेजा जाता है। अब मैं क्या गालियां दूं उसको, रहने दो, अच्छा नहीं लगता। इग्नोर इग्नोर इग्नोर, जो नीच है वो नीच रहेंगे, नीचों का कोई इलाज नहीं है। चलिए जीनस और स्पीशीज है आपका, बताओ आज की क्लास में ऐसा क्या है कि डिसलाइक हो रहा है, नेट खत्म होने वाला है कल कब से? अच्छा सीमा जी कल मेरा 1 बजे क्लास है, कल 1 बजे क्लास है, सुन लीजिए बच्चों, 1 बजे क्लास है, अभी क्लास खत्म नहीं हुआ, अभी 8 बजे तक चलेगा, सुनो। तो उसके बाद शाम को सीमा जी 7 बजे क्लास है, और आप प्लीज मुझे अनअकैडमी पे ज्वाइन कर लीजिए सीमा जी,
ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको कल दिया ही था, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके ऐड भी कर सकते हैं, तो मैं आपको नोटिफिकेशन भेज दूंगी। 1 बजे 7 बजे कल वाला क्लास तो है ही कल, ठीक है जी। चलिए तो बच्चों, जीनस और स्पीशीज ये दोनों टर्म्स किसने बनाए? ये दोनों टर्म्स दिए आपको कैरोलस लिनियस जी ने, ये दोनों टर्म्स दिए। ओके जी, बात समझ में आ गई। चलो अब आगे की कहानी सुनाती हूँ आपको। अब बच्चों जरा तरीका समझ लेते हैं, ये जो ए प्लस बी कॉन्सेप्ट है ना, ए प्लस बी जो आपका कॉन्सेप्ट है, ए हो गया आपका, ए जो है बच्चों हमेशा याद रखिए, जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल समझाने जा रही हूँ। आम का सीजन चल रहा था तो आम की बात ही कर लेते हैं, मैंगो की बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं। मेंजीफेरा इंडिका कहा जाता है आम को, क्या कहा जाता है? मेंजीफेरा इंडिका। बात समझ में आ गई? अब आप अगर आप ध्यान दोगे बच्चों, तो इसमें जो पहला नाम है, यानी कि पहला नाम हो गया आपका ए, यानी कि आम का जीनस क्या हुआ? आम का बच्चों जीनस क्या हुआ? जीनस, जीनस संघ क्या हुआ आम का? आम का जीनस हो गया मेंजीफेरा, और आम की प्रजाति हो गई इंडिका। इंडिया, इंडिका का मतलब हो गया इंडियन प्रजाति है, हमारी ओरिजिनल प्रजाति। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो मेंजीफेरा इंडिका, इंडिया का, क्या बोला गया? इंडिया का। तो इसलिए ये हो गया आपका सेकेंड नाम, जो हो गया ये हो गया प्रजाति, पहला नाम हो गया जीनस, दूसरा हो गया प्रजाति। हमेशा एक बात बच्चों आपको ध्यान रखना है, मैं आपको नीले कलर में बोल्ड कर गई हूँ, पहला नाम जो जीनस होगा वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा, और जो सेकंड होगा वो हमेशा स्मॉल में लिखा जाएगा। इसलिए देखिए मैंने कंसेप्ट भी आपको ऐसे ही बताया है, कैपिटल ए और स्मॉल बी, कैपिटल ए और स्मॉल बी, तो हमेशा पहला नाम आपका कैपिटल में लिखा जाएगा और जो सेकंड प्रजाति का नाम लिखा जाएगा, प्रजातियों को बच्चों हमेशा इटैलिक्स में, इटैलिक्स समझते हो, टेढ़ा टेढ़ा, ऐसे आपने कई बार बुकों में छपाई में देखा होगा, ऐसे टेढ़े टेढ़े शब्द होते हैं उसी को बोलते हैं इटैलिक्स, तो इटैलिक्स के अंदर बच्चों आपकी इटैलिक्स के अंदर ये दिया जाता है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया जी? तो इस तरीके से बच्चों आपके नाम बन गए। तो अब ये आपका एक्चुअली में कॉमन नेम क्या हुआ इसका? मैंगो। इसका कॉमन नेम क्या हो गया? मैंगो। तो मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या हो गया बच्चों? मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका। अब मैं आपको कुछ नामों के नाम बता रही हूँ, प्लीज अपनी अपनी कॉपी में आप नोट करें, क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में कई बार, या क्वेश्चन में प्रजाति का नाम लिख देते हैं, मतलब साइंटिफिक नेम और नाम नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने आपके आपसे मो के बारे में पूछना है, किसके बारे में पूछना है? मो के बारे में पूछना है, तो मो को पीकॉक नहीं लिखेंगे, उसका साइंटिफिक नेम डाल देंगे क्वेश्चन के अंदर। आप देख लो कैसे आप क्वेश्चन दोगे। बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन बता रही हूँ आपको, यूपीपीसीएस का ही आपके ही से संबंधित एक क्वेश्चन बता देती हूँ बच्चों, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी। वॉट इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फेरेथीमा पोस्थ्यूमा? क्वेश्चन सुनना ध्यान से, फेरेथीमा पोस्थ्यूमा नामक जीव के श्वसन यंत्र का नाम क्या है? बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन आया, अब बच्चे को सबसे पहले तो यही पता लग जाए भैया ये फेरेथीमा पोस्थ्यूमा क्या चीज है। अब उसको यही नहीं पता कि फेरेथीमा पोस्थ्यूमा क्या चीज है, तो वो जवाब तो तब देगा। तो इसीलिए आपको बता रही हूँ कि आपको बच्चों का कुछ नामों की लिस्ट बनवा दे रही हूँ, वो भी 10 मिनट के अंदर। आप अपनी अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे, टेबल में आपको बना के दे रही हूँ, आप अपने पास उसको याद करेंगे। हो सकता है आपके पास ऑलरेडी कुछ नाम हो, कुछ पीडीएफ हो, तो आप उनको भी रिवाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस चेक कर लीजिएगा नाम बिल्कुल ठीक लिखे हुए हो। अच्छा बच्चों, नाम तो हर चीज के हैं, लेकिन मैं आपको केवल कुछ ही नाम यहाँ लिखवाऊंगी जो आपको दिमाग में रहने चाहिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए, क्योंकि यही पर आपको सबसे ज्यादा वो दुखी करेगा, ठीक है? तो अभी बात करते हैं फेरेथीमा पोस्थ्यूमा, इस बताए किसका नाम है बच्चों? ये भैया नाम है केंचुए का, यानी कि आपके घर में जो है अर्थवॉर्म, जो गमलों में रहते हैं, जो खेतों में रहते हैं, जो मिट्टी में रहते हैं, जिनको बहुत अच्छा बोला जाता है मिट्टी के लिए। हाँ नहीं, सरीसृप नहीं है, सरीसृप नहीं है सीमा जी, ये आपका फाइलम में आता है, वो मैं पढ़ाऊंगी अगले बच्चों 2 दिन, आज बुधवार है ना, बृहस्पति शुक्र 2 दिन के अंदर, मतलब कल और परसों बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ही टॉपिक चलेगा, सुन लो। और ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, और कम से कम आप मान के चलिए कि आपके बायो में आने वाले लगभग सारे क्वेश्चन, मतलब सारे क्वेश्चनों में का निचोड़ ये है कि इसकी टॉपिक की आपको जरूर जरूर पड़ेगी। तो ये अभी 2 दिन और चलेगा, आज पार्ट 1 है, कल पार्ट 2, परसों पार्ट 3, और तीनों पार्ट में आपको पूरा क्लासिफिकेशन समझा दूंगी मैं, फाइलम ये सब जो क्या क्या चीजें होती है, कोशिश करूंगी कि सारा, तो क्लास मिस मत करिएगा, एक भी क्लास के बीच में से ना जाइएगा, क्लास डेली चलेगा 7 बजे आपका बायोलॉजी, ठीक है? सैटरडे, फ्राइडे तक, सैटरडे को आपका क्वेश्चन करवाऊंगी मैं,
सैटरडे को 2 घंटे 6 से 8 मैराथन चलेगा, दोपहर को 1 बजे आपका बूस्टर चलेगा, तो आपके पास टाइम टेबल मेरा आ गया है। और हाँ, डेली 2 घंटा अनअकैडमी पे क्लास चलेगी। कल से एक करंट अफेयर्स की क्लास चला रही हूँ 11 अक्टूबर के पेपर के लिए। फिर सुन लीजिए, डेली सीरीज में आना है, और एक सीरीज आपकी साइंस की चलेगी, यानी कि अनअकैडमी स्पेशल पर 2 अलग अलग सीरीज चलेगी, एक करंट अफेयर्स की चलेगी और दूसरी आपकी इसकी चलेगी। और बच्चों, मेरा प्लस कोड आपको पता ही, रहना 10, तो हमारा आपको अगर यूपीएससी का और अच्छा प्रिपरेशन करना है, प्रीलिम्स तैयार हो गया, मेंस के लिए आगे तैयारी करनी है, तो प्लीज आप लोग एनरोलमेंट करा लीजिए अपने अनअकैडमी प्लस पर, मेरे से नहीं किसी और टीचर के लिए करा लीजिए, मेरा कोड डाल दीजिएगा आप लोग उसमें, दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मेरे से अगर बात कर लोगे तो मैं आपकी फीस और थोड़ा सा कम करवा दूंगी, आपको और भी सस्ता पड़ जाएगा प्रोग्राम, ठीक है जी। चलिए आगे बात करती हूँ। अब मैं आपको लिस्ट बनवा रही हूँ बच्चों, ठीक है, अब मैं आपको लिस्ट बनवा रही हूँ, जिसको भी केचुए को किसान का मित्र कहते हैं। हाँ जी बिल्कुल, सीमा जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। नूरजहां कहाँ आ गई, कश्मीर की कली तुम गायब हो गई हो फिर से, ये लड़की जो है ना बार बार पता नहीं कहाँ चले जाती है। चलिए कोई नहीं बच्चों, टेबल बनाओ अपनी कॉपी में। चलिए आप लिखते रहना चुपचाप, और किसी को सवाल का प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन पूछ लेना। एक तरफ लिखो कॉमन नाम, यानी कि सामान्य नेम। बच्चों मैं आपको इसके लिए पीडीएफ भी दिखा सकती थी, मैं आपको इसके लिए पीपीटी भी बना के ला सकती थी, लेकिन आपको मेरी आदत पता है, मुझे लिखे बिना चैन नहीं आता। और लिखने से क्या होता है ना कि आप लोग भी मेरे साथ लिखोगे, और जब आप लिखोगे ना तो लिखने से आपको वो याद हो जाएगा। ये एक वैज्ञानिक बात मैं आज आपको बता रही हूँ, ठीक है, वैज्ञानिक नाम। तो ऐसी एक टेबल बना लीजिए बच्चों अपनी कॉपी में आप लोग फटाफट से। आप यही हो, अच्छा ठीक है बेटे, समझ आ रहा है आपको सारी चीज, ऊर्जा आपको क्लियर हो गया सारी चीजें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए अब नंबर 1 शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय पक्षी की बात कर लेते हैं। हमारे राष्ट्रीय पक्षी का नाम है पीकॉक, यानी कि मोर। ये दिल मांगे मोर, बात समझ में आ गई, तो ये दिल मांगे। अच्छा चलो अब तरीका याद बताती हूँ आपको बच्चों। पीकॉक कैसे बोलता है, पीकॉक कैसे बोलता है जल्दी से बताओ। अच्छा आप कैसे बताओगे, आप तो वहां बैठे हो, मैं बता देती हूँ बच्चों। पीकॉक बोलते हैं प्याओ प्याओ प्याओ, ऐसे बोलता है। आप कभी मोर को सुना होगा तो प्याओ प्याओ करके बोलता है। तो बच्चों उसका जो नाम है ना वैज्ञानिक नाम, वो भी कुछ इसी तरीके का है। इसको बोला जाता है पावो, क्या बोला जाता है, पावो क्रिस्टेटस, पावो क्रिस्टेटस। बात समझ में आ रही है जी, क्या बोला जाता है बच्चों, पावो क्रिस्टेटस। तो अब आपको नाम याद रहेगा, जैसे ही पेपर में नाम आएगा पावो पाव प्याओ प्याओ, आपको याद आ जाएगा कि मैम ने प्याओ प्याओ बोला था पीकॉक को। किसको बोला था, पीकॉक को। आम का नाम आपने लिख लिया, हमारा नेशनल फ्रूट है आम, मैंजीफेरा इंडिका। लिख लिया बच्चों आपने नाम, मैंजीफेरा इंडिका। तीसरा लिखिए मटर, पाइसम, पी फॉर पाइसम, पी फॉर पी, यानी कि हरी मटर। पाइसम सताइवम, अरे काहे सताए हो, पाइसम सताइवम, ठीक है, पाइसम सताइवम। केचुए का नाम आप लोगों ने लिख लिया फेरेतिमा पॉस्ट्यूमा, केचुए का नाम आप लोगों ने लिख लिया फेरेतिमा पॉस्ट्यूमा। चलिए आगे नाम लिखवाती हूँ आपको। अब बच्चों कुछ और भी बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे राष्ट्रीय जानवर की क्या नाम है, हमारे राष्ट्रीय जानवर की क्या नाम है, टाइगर, है ना, टाइगर, यस, पी पाइसम सताइवम, यस बहुत बढ़िया। तो टाइगर का नाम बच्चों, अब मैं आपको दो चीजें बताऊंगी यहाँ पर बच्चों। एक होती है डॉग फैमिली और एक होती है कैट फैमिली, एक होती है डॉग फैमिली, एक होती है कैट फैमिली। तो बच्चों डॉग फैमिली के अंदर आते हैं नंबर 1 तो डॉग तो है ही, उसके अलावा वुल्फ यानी के भेड़िया, लकड़बग्गा यानी के हाइना, फॉक्स यानी के लोमड़ी, और उसके अलावा बच्चों आपका सियार भी आता है इसके अंदर। सियार जो होता है, जो हाउलिंग करता है, सियार, जैकाल बोलते हैं सियार को इंग्लिश में, ठीक है। और वुल्फ आ गया, हाइना आ गया, फॉक्स आ गया, जैकाल आ गया, लकड़बग्गा, और जंगली कुत्ता, वाइल्ड डॉग्स, ठीक है जी, बात समझ में आ रही है, हाँ बहुत बढ़िया। तो वुल्फ, हाइना, फॉक्स, जैकाल, वाइल्ड डॉग, ये सब डॉग फैमिली में आते हैं बच्चों। एक बात ध्यान रखनी है, हमेशा डॉग फैमिली का जो जीनस बनेगा
बहुत ध्यान से सुनिएगा, इन सबका जीनस लगभग एक होता है, इन सबका जीनस लगभग एक होता है। तो बच्चों इनका जीनस होता है क्योंकि इनके पास कैनाइंस होते हैं। कैनाइंस का मतलब हो गया वो जो दांत होते हैं ना जो फाड़ते हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं कैनिस। क्या बोलते हैं? कैनिस। तो बच्चों जब भी आप डॉग का नाम लिखोगे, साइंटिफिक आप डॉग का नाम लिखोगे तो आप लिखोगे कैनिस। और चूंकि आप कुत्ते को घर में पाल सकते हैं, ये डोमेस्टिकेट हो सकता है, तो इसलिए बच्चों इसकी स्पीशीज क्या बन गई? कैनिस डोमेस्टिका। हो गया नाम याद? कैनिस डोमेस्टिका। लिख लिया नाम कुत्ते का, जो नॉर्मल डॉग, कोई भी ब्रीड हो, चाहे जर्मन शेफर्ड हो, चाहे व्हाटएवर ब्रीड, कोई भी कुत्ते का ब्रीड ले लीजिए तो उसका नाम क्या बनेगा बच्चों? कैनिस डोमेस्टिका। बात समझ में आ गई? ऐसे ही कैट फैमिली की बात कर लेते हैं बच्चों। कैट फैमिली में हम लोग दो शब्द यूज करते हैं, या तो फेलिस या नियो फेलिस। नियो का मतलब नई एज की, जो अभी रिसेंटली पाई गई है। और तीसरा आता है पैंथेरा। पैंथेरा कहते हैं जंगली और बड़ी बिल्लियों को। इनका साइज बहुत बड़ा होता है, इनका साइज बहुत बड़ा होता है। पैंथेरा, फेलिस और नियो फेलिस, इसमें बच्चों ये तीन जीनस आते हैं। तो अगर मैं नॉर्मल बिल्ली की बात करूं, अगर मैं नॉर्मल कैट की बात करूं, तो क्या नाम लिखा जाएगा उसका? फेलिस। सॉरी एक मिनट बच्चों, एक गड़बड़ हो गई है। कैनिस डोमेस्टिका नहीं है, प्लीज इसको थोड़ा सा, एक मिनट इसको काट कर लीजिए, गड़बड़ हो गई। फैमिलियरिस, यहाँ पर फैमिलियरिस नाम आएगा। एक मिनट, आई एम सॉरी, कैट में गड़बड़ हो गई। चलिए कैनिस, जो कुत्ते का नाम, आप जो घर के कुत्ते का नाम लिखोगे तो वो आप लिखोगे कैनिस फैमिलियरिस, क्योंकि फैमिली के साथ वो रहता है। ठीक है जी, डोमेस्टिका नहीं आएगा, डोमेस्टिका बिल्ली में आएगा। सॉरी, डोमेस्टिका आपका बच्चों बिल्ली में आएगा। किसमें आएगा? बिल्ली में आएगा आपका। ठीक है जी, चलिए तो कैट का नाम क्या लिखेंगे हम लोग? कैट का नाम हम लोग लिखते हैं फेलिस डोमेस्टिका, क्योंकि ये डोमेस्टिक होती है और आप इसको घर में पाल सकते हैं जी। क्लियर हो गया बच्चों? सॉरी वो मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो कैट का नाम लिख लिया आप लोगों ने, फेलिस डोमेस्टिका। कैट फैमिली में बच्चों कौन कौन आ जाएगा? लायन, यस बहुत बढ़िया अर्शदीप, टाइगर, चीता, पैंथर, बगीरा, देखा था बगीरा, जंगल जंगल बात चली है पता चला है, आ गया यार चड्डी वाला याद आ गया। तो लायन, टाइगर, चीता और बगीरा। बगीरा मतलब बगीरा मत लिख देना, बगीरा उसका नाम था, यानी कि ब्लैक पैंथर। अरे मूवी भी तो आई थी यार ब्लैक पैंथर, मूवी भी तो आई थी ब्लैक पैंथर, बड़ी अच्छी मूवी थी, है ना? मुझे तो बहुत पसंद आई। आपके अभी इंफिनिटी वॉर्स में सारे जो जो उस प्लैनेट के सारे लोग थे, तो वो सारे जो है वो वहां पर आ गए थे लड़ने के लिए, ब्लैक पैंथर। तो पैंथर आएगा, टाइगर आएगा, चीता आएगा, लायन आएगा इसके अंदर, ठीक है, लेपर्ड आएगा, लेपर्ड आएगा। तो ये बच्चों सारे जो जानवर है कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? ये आपका फेलिस फैमिली से बिलोंग करते हैं। याद हो रहा है ना सारे बच्चों को? याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलो अब हम बात करते हैं हमारे नेशनल एनिमल की। तो हमारा नेशनल एनिमल कौन है बच्चों? हमारा जो राष्ट्रीय पशु है वो है टाइगर जी। टाइगर वो होता है बच्चों जिसपे स्ट्राइप्स होती है, चीता वो होता है जिसपे चिकत्ती होती है, और आपका जैगुआर होता है, जैगुआर पे ऐसे 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 होता है, जैगुआर पे इस तरह के पैटर्न होते हैं, ठीक है। और जो लेपर्ड होता है आपका, तेंदुआ इसे ही कहते हैं, ठीक है, चीता तेंदुआ अलग होता है, तेंदुआ के ऊपर ऐसे 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 होते हैं इस तरह के, ठीक है। तो और पैंथर के ऊपर कुछ नहीं होता, वो प्लेन होता है ना। तो टाइगर के ऊपर बच्चों हमेशा देखिए, टाइगर की रिमार्केबल स्ट्राइप्स होती है इस तरह की, तो वो टाइगर हो गए। तो टाइगर का नाम आप लिखेंगे पैंथेरा। पैंथेरा तो लगाना ही है आपको, ठीक है, पैंथेरा टिग्रिस। क्या नाम बन गया टाइगर का आपके? पैंथेरा टिग्रिस बच्चों नाम बन गया इसका। क्या बन गया? पैंथेरा टिग्रिस इसका नाम बन गया। ऐसे ही लायन का नाम बन गया आपका। लायन का क्या बना? बब्बर शेर का, पैंथेरा लियो। क्या बन गया? पैंथेरा लियो बन गया आपका। बात समझ में आ रही है? अब आगे आ जाओ, और इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ, कुत्ता बिल्ली। अच्छा बच्चों आपकी काउ आ जाएगी, तो काउ का नाम आप लिखिए बॉस इंडिकस। इंडिया की है ना देसी गाय, तो बॉस इंडिकस। बॉस है भाई, बॉस अक्षय कुमार, बॉस काउ, ठीक है जी। हाँ तो काउ आ गई आपकी बॉस इंडिकस। उसके बाद अगला हो बच्चों आपके मेंढक जी। आजकल बरसातों में बहुत निकलते हैं बरसाती मेंढक, तो मेंढक का क्या नाम रखा जाएगा? मेरे नाम से मिलता हुआ है लेकिन मजाक नहीं उड़ाना, राना टिगरीना, राना टिगरीना। आ गया जी बात समझ में? आपका प्रॉक हो गया राना टिगरीना। तो आपका कुत्ता बिल्ली
और आपका वो हो गया काऊ हो गई, लायन हो गया, टाइगर हो गया, फ्रॉग हो गया, ठीक है। अच्छा आप थोड़ा सा कुछ बात कर लेते हैं आपके, फॉर एग्जाम्पल सामने देखो जरा, वीट यानी कि गेहूं। बच्चों गेहूं का नाम है ट्रिटिकम, ट्रिटिकम। बच्चों ट्रिटिकम का मतलब होता है बालियां, जिसपे बालियां लगी हो। तो ट्रिटिकम इज बेसिकली द जीनस। और आपको पता ही है बच्चों कि, हाँ आपको पता ही है कि इसमें क्या होता है, बालियां सब में, इसमें इसमें भी बालियां होती हैं आपकी, क्या कहते हैं, राई में बालियां होती है, बाजरे में। तो अभी क्या है, बालियों वाले, तो बालियों में नंबर वन जो अनाज आता है, सप्त अनाज होते हैं आपके, सात अनाज होते हैं, तो उसमें नंबर वन आपका आता है ट्रिटिकम। वीट का नाम बता रही हूँ, गेहूं का एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है। चलिए अगला नाम लिखो बच्चे, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम बता रही हूँ, तुलसी प्लांट। आपने देखा होगा कुछ लोगों के घरों में भी होता है, होली बेसिल कहते हैं इसको, इसका कॉमन नाम होता है होली बेसिल, तुलसी प्लांट। क्वेश्चन आया हुआ है इस पे बच्चों, तुलसी का नाम लिख लीजिए, क्योंकि तुलसी को शुद्ध माना जाता है, ऐसा माना जाता है जहां तुलसी का प्लांट होता है तो वहां बहुत पॉजिटिविटी आ जाती है। और अभी हाल में लास्ट ईयर आपके पीसीएस 2019 में तुलसी के ऊपर एक क्वेश्चन आया कि तुलसी में ऐसा क्या चीज है जो उसको एंटी कैंसरस बनाती है, यानी कि अगर हम नित्य तुलसी के दो पत्ते खाते, खाने का तो चबाना नहीं, का पीज खाइए और निगल जाइए, तो उससे क्या होता है, ब्रेन शार्प होता है और बच्चों कैंसर नहीं होता कभी भी बॉडी के अंदर। तो ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर ही आया हुआ है पीसीएस के अंदर, तो आप ध्यान से इसके लिख में लिख लीजिए, ऑसिमम सेंटम। बच्चों सेंटम का मतलब होता है, इंग्लिश का वर्ड बता होता है सेंटम, सेंटम का मतलब होता है पवित्र जगह, ऐसी जगह जहां पर शांति मिले, तो उसी को बोलते हैं ऑसिमम सेंटम। बात समझ में आ गई सर, ठीक है। तो तुलसी प्लांट हो गया। अच्छा इसके बाद बच्चों लिखो पीपल, पीपल ट्री, पीपल के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो बच्चों पीपल जो है ना, पीपल हो गया आपका, ये हो गया शहतूत हो गया, और तीसरा आपका बरगद। बच्चों इन तीनों का जीनस सेम होता है, कौन कौन से तीन पेड़ बताए मैंने, पीपल, बरगद और आपका शहतूत, यानी कि मलबेरी, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, मलबेरी। तो बच्चों इन तीनों का जो जीनस है ना वो सेम होता है फाइकस। तो तीनों का फर्स्ट नेम आपको क्या मिलेगा, फाइकस मिलेगा, लेकिन लेकिन जो सेकंड नाम होगा यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि बच्चों पीपल धर्म से हमारे जुड़ा हुआ है, हिंदू धर्म में इसकी बहुत मान्यता है पीपल के ट्री की, तो इसलिए बच्चों यहाँ पे जो उसका सेकंड नेम होगा वो नाम हो जाएगा रिलीजियोसा, क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ है, धर्म से जुड़ा हुआ है। हाँ तुलसी की पूजा भी होती है हिंदू धर्म में होती है निजाम जी, और कई लोग वैसे भी जो है मान लेते हैं इनको, तो हाँ इसलिए इनको रखा जाता है। और आपको बच्चों आज तुलसी प्लांट की एक मैं बहुत बड़ी बात बता रही हूँ, पुराने घरों में तुलसी के प्लांट को बीच में लगाया जाता था आंगन में। आपको पता है बच्चों तुलसी के अंदर एक ऐसी जबरदस्त खूबी होती है कि अगर किसी के घर पे बिजली गिर जाए, क्योंकि आपको पता है बच्चों पहले पक्के मकान नहीं होते थे, पुराने टाइम में कच्चे मकान होते थे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो चाहे कोई भी हो। अब बच्चों खतरा होता था, मान लो बारिश के दिन हो गए तो बिजली गिरने का बड़ा चक्कर होता था, तो लोग क्या करते थे, अपनी छत पे तुलसी का प्लांट रख लेते थे, अपने आंगन में तुलसी बो लेते थे, जिससे ऐसा बोला जाता था कि घर की जो भी नेगेटिविटी है वो दूर होगी, और बिजली गिरेगी तो तुलसी के प्लांट पे गिरेगी, मतलब तुलसी उसको आपके घर को बचा लेगा बिजली गिरने से। तो ऐसा बोला जाता था, बड़े बुजुर्ग जो है वो इसी तरह से बताते थे, इसलिए बच्चों ये ट्रेडिशन एक चला आ रहा है तुलसी प्लांट को रखने का। और एक चीज और बच्चों, जिसके घर में तुलसी जमीन में बुई हुई होती है, लाइक बिल्कुल अंडरग्राउंड होती है, तो बच्चों ऐसा बोला जाता है कि जो पानी है ना, जो आप नीचे से पानी, क्योंकि तो पहले क्या होता था, पहले कुएं से आप लोग पानी लेके आते थे या आप हैंडपंप चलाते थे, तो नीचे से पानी, अभी भी समर्सिबल से हम लोग पानी लेते हैं, तो बहुत सारी उसके अंदर गंदगी आती है, तो ऐसा बोला जाता है कि जहां पर आसपास तुलसी लगा होता है तो वो पानी जो है वो प्योर हो जाता है, जो उसके अंदर जो इस तरह की प्रॉब्लम्स है वो नहीं होती है, ठीक है। तो पीपल ट्री का नाम बच्चों आपने लिख लिया, फाइकस प्रजाति, सॉरी फाइकस संघ से रिलीजियोसा प्रजाति हो गई। तो ये आपका बन गया बच्चों, क्या बन गया, क्या बन गया आपका, रिलीजियोसा, फाइकस रिलीजियोसा। आरिफ रैना नहीं है, राणा है, राणा, राणा साहब। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा तो बच्चों अभी और कुछ बताऊंगी, कल बताऊंगी, अभी हमारा समय भी हो गया, आपकी भी दूसरी क्लास का टाइम हो गया होगा बच्चों। चलिए आज पता नहीं चला वक्त का भी, तो आई होप मजा आया होगा आपको, आज काफी सारी नई चीजें पता चली होंगी। थैंक यू सो मच, और कल बात करती हूँ आप लोगों से, ठीक है। कल 1 बजे मिलूंगी प्रतियोगिता बूस्टर सीरीज में, ज्वाइन करिएगा बच्चों।
अश्दी पे स्पेक्टिकल लगाती हूँ, एक आंख का हल्का सा नंबर है मेरे पास, कोशिश करती हूँ ना लगाऊं लेकिन अब लगाना पड़ रहा है क्योंकि कंप्यूटर से स्ट्रेस होता है। थैंक यू सो मच बच्चों, सारी इन्फॉर्मेशन नोट कर लीजिएगा। अभी 3 दिन यही चलेगा, थर्सडे फ्राइडे, 2 दिन सॉरी, कल और परसों, तो आपको ये पूरा मैं टॉपिक कवर करा दूंगी यहाँ पर। जुगनू जी थैंक यू सो मच, अच्छा लगा हो तो बच्चों लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, आगे आगे पहुंचा दीजिए वीडियो को। चलिए कल मिलती हूँ आपसे, अब 9 बजे मिलते हैं आपसे। अनअकैडमी पे आ जाइएगा सारे बच्चे, अनअकैडमी पर जो अभी तक नहीं आए हैं, मैंने एमसीक्यू सीरीज शुरू करा है हिंदी इंग्लिश दोनों में, बच्चों ज्वाइन करो यार मजा आएगा। पोल्स में 1000 रुपए का नगद इनाम में दे रही हूँ, हर हफ्ते 1000 रुपए का प्राइस मिलेगा आपको जो लोग लगा रेगुलरली उसमें टॉपर रहेंगे। तो कल हमारे तहसीन खान जी थे, कल उन्होंने टॉप करा कल के सेशन में, आज देखते हैं कौन कौन टॉप करता है। मजा आ गया, चलो बहुत बढ़िया आरिफ, मजा आना चाहिए। एक्चुअली सेल जो है ना कोशिका, बड़ा बोरिंग सा टॉपिक आए ना आ रहा है यूपीपीएससी कोर्स के अंदर। शुभ रात्रि, शुभ खैर, ध्यान रखिए अपना बच्चों, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच बच्चों। अभी जुड़ना है 9 बजे अकेडमी में, ठीक है 9 बजे आ जाओ फटाफट से, 1000 रुपए का कैश प्राइज जीतने का सुनहरा मौका है आपके पास बच्चे, बच्चे पढ़ो भी और जीतो भी, ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच।